हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESI स्टडी में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ESI चल रहा है। इसमें जो आगे के जो सवाल होंगे वो आज के सवाल होंगे, मिश्रधन और ब्याज के अंतर के सवाल। तो देखो, आज के जो सवाल होंगे वो मिश्रधन और ब्याज के सवाल होंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक होगा मिश्रधन के सवाल और ब्याज के अंतर के सवाल। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। देखो, इसका पहला सवाल है, देखो पहला सवाल है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8700 रुपए, 2 वर्ष में 8700 रुपए तथा 3 से 1/2 वर्ष में 9600 रुपए हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात करो। ये हमारा अगला सवाल है दोस्तों। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8700 रुपए तथा 3 से 1/2 वर्ष में 9600 रुपए हो जाता है। अब देखो, इस टाइप के सवाल में हमसे दर पूछ सकता है और मूलधन पूछ सकता है। अब इस सवाल में देखो, हमसे मूलधन ही पूछ रहा है और दर भी, यानी कि मूलधन और दर दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, इस टाइप के सवालों को हम इस तरह से हल करेंगे। हमें यहाँ पे दे रहा है 3 से 1/2 वर्ष, 3 से 1/2 वर्ष का जो हमें मिश्रधन दे रहा है, देखो 9600 रुपए होगा, यानी कि इसमें हमें मूलधन में ब्याज जोड़कर दे रहा है, ब्याज जोड़कर यानी कि अमाउंट हमें दे रहा है, ये 3 से 1/2 वर्ष यानी कि 3.5 वर्ष का हमें मिश्रधन दे रहा है 9600 रुपए। 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 9600 रुपए, और हमें देखो 2 वर्ष का मिश्रधन दे रहा है 8700 रुपए। तो देखो, 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो दे रहा है 8700 रुपए। ये अब देखो, हमें ये पता है कि साधारण ब्याज में समान समय के लिए समान ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज में समान समय में हमें समान ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे जो समय का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष। समय का अंतर कितना आ गया 1.5 वर्ष। अब देखो, 1.5 वर्ष ये तो हमें दे रहा है, दोनों मिश्रधन दे रहा है, तो मिश्रधन का हम अंतर करेंगे तो मिश्रधन का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 900 रुपए। मिश्रधन का अंतर कितना हो गया 900 रुपए। देखो, 1.5 वर्ष का ये हमारे पास में इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया इंटरेस्ट, 1.5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आ गया 900 रुपए। तो मुझे बताओ, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का इंटरेस्ट होगा 600 रुपए। 1.5 वर्ष, देखो 1.5 वर्ष का इंटरेस्ट है 900 रुपए, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 600 रुपए। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 600 रुपए। कैसे होगा, देखो हमें पता है कि 1.5 वर्ष का जो इंटरेस्ट है 900 रुपए, देखो 1.5, हमें पता है कि 1.5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 900 रुपए, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 900 में भाग देंगे 1.5 का, पॉइंट यहां से हटाएंगे, 1 जीरो लगा देंगे, 15 का भाग देंगे, 15 से 90 कितना आ गया 600 रुपए। तो इस तरह से हमारे पास में आ गया 1 वर्ष का इंटरेस्ट। अब देखो, केवल यदि आपसे दर पूछता है, केवल आपसे दर पूछता है तो देखो हम दर निकाल लेंगे, लेकिन सवाल में हमसे मूलधन ही फाइंड आउट करवा रहा है और हमसे दर भी। अब देखो, मूलधन भी ये क्या करेंगे, हमारे पास में जब 1 वर्ष का इंटरेस्ट आ गया, आप इसको इस 2 वर्ष से अलग कर लो या 3.5 वर्ष से अलग कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है, तो मुझे बताओ 2 वर्ष का ब्याज, भाई इसमें ऐड है तो 2 वर्ष का ब्याज है और प्लस में मूलधन है, तो देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1200 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 1200 रुपए। जब इसमें से हम 1200 रुपए माइनस कर देंगे, मिश्रधन में से 1200 रुपए माइनस कर देंगे, तो मूलधन कितना रह जाएगा हमारा 8700 में 1200 घटाएंगे यानी कि 7500 रुपए मूलधन। ये हमारा पहला आंसर हो गया, यानी कि मूलधन कितना हो गया 7500 रुपए। दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, दर। तो देखो, दर आ जाएगी 7500 रुपए, इस पर हमें जो ब्याज मिल रहा है कितना रुपए ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष का, यानी वार्षिक रूप से। देखो 7500 रुपए पर हमें जो ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में वो कितना मिल रहा है 600 रुपए। ये 600 रुपए 7500 रुपए पर 600 रुपए मिले किस दर से, यानी कि इसको गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई और काटेंगे इसको, देखो 15 से काटेंगे, 15 5 75, 15 4 60, 5 से फिर काटेंगे इसको
कितना हो गया 8%। तो दर हमारी क्या है 8%, मूलधन कितना हमारा 7500। देखो एक बार इसको फिर से देख लो, ये भी दे रहा है 3 से 1/2 वर्ष, 3 से 1/2 वर्ष, 3 से 1/2 वर्ष का मिश्रधन है 9600 रुपए। देखो 3 से 1/2 का मिश्रधन हमें दे रहा है 9600 रुपए और 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष का हमें मिश्रधन दे रहा है 8700 रुपए। ये हमारे पास में मिश्रधन है। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, समय का अंतर कितना आ गया 1.5 वर्ष, समय का अंतर कितना आ गया 1.5 वर्ष, तो ब्याज का अंतर कितना हो गया 900 रुपए। हमें पता है कि 1.5 वर्ष का ब्याज 900 रुपए है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए। देखो मैंने इसको 2 वर्ष से अलग किया, 2 वर्ष से अलग किया, जब 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है तो 2 वर्ष का 1200 रुपए हो जाएगा। अब 1200 रुपए जब हम 8700 रुपए में से घटाएंगे तो 7500 रुपए हमारा मूलधन होगा। देखो दर 7500 रुपए पर हमें जो ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 600 रुपए, 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 600 रुपए, किस दर से मिल रहा है यानी इसको हम गुणा कर देंगे 100 से, तो दर कितनी आ गई 8%, दर कितनी होगी 8%। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन तीन वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष तथा 5 वर्ष में, देखो तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाएगा। यह हमारा अगला सवाल है। देखो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए। अब इसमें जो हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, दर। देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो वार्षिक दर है वो क्या दर है। भाई देखो 3 वर्ष में 575 रुपए हो रहा है तथा 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625 रुपए। देखो 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625 रुपए। हमें पता है 3 वर्ष में 575 रुपए, 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625 रुपए। देखो 5 वर्ष में हो रहा है 625 रुपए और 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 575 रुपए। मुझे बताओ समय का अंतर कितना आएगा 2 वर्ष का, समय का अंतर कितना आ गया 2 वर्ष का, ये समय का अंतर हो गया 2 वर्ष का। अब यहाँ पे हमारे पास ब्याज आ जाएगा। देखो ब्याज कितना हो गया 625 में से हम माइनस करेंगे यानी कि कितना आ गया 50 रुपए। देखो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपए। जब हमें पता है कि 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए आ गया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 25 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 25 रुपए। अब इस सवाल को आप या तो देखो 3 वर्ष से हल कर लो या इससे कर लो 5 वर्ष से हल कर लो। हमें पता है कि जब 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए है तो 3 से जब गुणा कर देंगे तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 75 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 75 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपए आ गया। मूलधन हमसे पूछ रहे हैं, हमें पता है कि देखो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 575। देखो मूलधन आ जाएगा यानी कि 575 माइनस क्या करेंगे 75, तो 500 रुपए मूलधन। आपसे मूलधन यदि पूछा जाता है इस सवाल का तो 500 रुपए मूलधन होगा। देखो दूसरा पूछ रहा है दर, तो दर आ जाएगी 500 रुपए पर हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1 वर्ष में 25 रुपए। देखो 25 रुपए में ब्याज मिल रहा है कितने रुपए पर, 500 रुपए पर, गुणा कर दिया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको बांटेंगे कितना परसेंट 5%, यानी कि दर क्या होगी हमारी 5% होगी। दोस्तों इस तरह के सवालों में आपसे पूछ सकता है या तो मूलधन या दर, यदि दोनों पूछी जाती है तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें रेट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस सवाल का मूलधन कितना होगा 500 रुपए और दर कितनी होगी 5%। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा।
ब्याज, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5%, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से घटकर 11.5% से घटकर 10% हो जाने पर, 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 55.50 रुपए कम हो जाती है तो मूलधन कितना था। दोस्तों ये हमारा अगला सवाल है। देखो हमें दे रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से घटकर कितनी रह गई, 10%। अब देखो सिंपल सी बात है, जब दर घटेगी तो हमें ब्याज कम मिलेगा। अब देखो 11.5% से घटकर कितनी रहेगी, 10%। 10% जब हो रही है तो एक व्यक्ति को देखो वार्षिक आय, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में कमी हो रही है, और कमी कितने रुपए की हो रही है, 55.50 रुपए की कमी हो रही है। अब देखो हमें पता है कि तो कमी हो रही है किसमें हो रही है, ब्याज में कमी किसमें हो रही है, ब्याज में कमी हो रही है। सिंपल सी बात है कि जब दर में कमी होगी तो ब्याज भी कम मिलेगा, जब दर में वृद्धि होगी, देखो जब दर में मान लो वृद्धि होगी तो ब्याज हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इस सवाल में क्या हो रहा है कि दर में कमी हो रही है, दर में कमी हो रही है तो ब्याज तो मिलेगा, कम मिलेगा। देखो 11.5% से घटकर कितनी रहेगी, 10%। यानी कि देखो मैं कह सकता हूं कि 1.5% का ये हमारे पास में अंतर आ गया 55.50। देखो 1.5% का अंतर है 55.50। आप पॉइंट के बाद में जीरो को हटा सकते हो। देखो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 का जो मान है, 15% का मान कितना है, 555। तो 1 का मान कितना होगा, यानी कि 1% का मान हो जाएगा 555 में हम भाग देंगे किसका, 15 का। 555 में हमने भाग दे दिया 15 का, तो 1 का मान आ जाएगा। देखो 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 7 105, 1% का मान कितना हो गया, 37। तो मुझे बताओ 100% का मान कितना होगा, 3700 रुपए, कितना होगा, 3700 रुपए। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा 3700 रुपए। तो इस सवाल का जवाब होगा 3700 रुपए। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमें पता है कि 11.5% से घटकर 10% दर होगी, यानी कि दर का अंतर कितना आ गया, 1.5%। 1.5% बराबर हमें दे रहा है 55.5। मैंने क्या किया यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक है। तो 15 का मान 555 हो गया, 15 का मान 555 हो गया, तो 1 का मान कितना होगा, 555 में 15 का भाग दे देंगे, यानी कि 37। तो 100 का मान कितना होगा, 3700 रुपए, ये मूलधन हो जाएगा। आप इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हो। देखो यहां पे हम लिख लेंगे ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर गुणा करेंगे 100 से, ब्याज का अंतर इंटू 100 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे दर का अंतर, यानी जो दर प्रतिशत दे रखे उसका अंतर, दर का अंतर। देखो ब्याज का अंतर इंटू 100 हो गया, दर का अंतर इंटू हम कर देंगे समय, क्या कर देंगे, समय। अब देखो ब्याज का अंतर हमें दे रखा है 55.50, इसको गुणा किया हमने 100 से, दर का अंतर कितना आ गया 1.5, टाइम हमें वार्षिक यानी कि 1 वर्ष दे रखा है। देखो दो जीरो से पॉइंट हट जाएगा, दो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। अब यहां पे देखो ये हो गया 5550 बटे में हो गया 1.5, इस पॉइंट को घटाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे, जब 15 से इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 3700 रुपए। तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। आप इस तरह के सवालों को इस तरह भी हल कर सकते हो, इसको हम कह सकते हैं ट्रिक, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे में होगा दर का अंतर इंटू टाइम। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ब्याज का अंतर है, जब हमें दर का अंतर दे रखा होगा तो हमें डेफिनेट है कि ब्याज का अंतर दे रखा होगा। ध्यान रखना, जब हमें दर का अंतर दे रखा होगा तो ब्याज का अंतर दे रखा होगा। मान लो हमें दर का अंतर नहीं दे रखा है, ठीक है, हमें क्या नहीं दे रखा है, दर का अंतर, दर का यदि योग मिलता है तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज का योग मिलेगा। मान लो हमें समय अलग अलग दे रखा है, समय हमें अलग अलग दे रखा है, तो समय का हम क्या करेंगे,
योग कर देंगे। कब करेंगे? जब हमें क्या दे रहा हो, दर का अंतर दे रहा हो। तो ये बात ध्यान रखना, आप इस तरह के सवालों को इस तरह से फाइंड आउट करना। ओके, अगला सवाल है हमारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12 से 1/2% से घटकर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12 से 1/2% से घटकर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 250 रुपए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 250 रुपए की कमी हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो, दोस्तों ये हमारा अगला सवाल है। देखो पिछले सवाल का जैसा ये, देखो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दो। देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12 से 1/2% से घटकर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में देखो कमी हो रही है। अब की बार क्या हो रही है? कमी हो रही है। पिछले सवाल में भी कमी हो रही थी। मान लो ये जो दर है हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती, 15% हो जाती। यदि दर बढ़ती तो हमें क्या मिलता, ज्यादा ब्याज में ज्यादा मिलता। इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है 10%। तो मुझे पता दर का अंतर कितना होगा, 2.5 का मैं मान दे रहा है 250। देखो 2.5 का मान दे रहा है 250, तो एक का मान कितना होगा, 250 में किसका भाग देंगे, 2.5 का। इस पॉइंट को हटाएंगे, जीरो लगा दिए, 25 से काटा 100, कितना आ गया 100। देखो एक का मान कितना हो गया 100, तो 100 का मान कितना होगा, 100 को गुणा कर देंगे हम 100 से, तो मूलधन कितना होगा 10,000। मूलधन कितना होगा हमारा 10,000 रुपए। देखो 2.5%, ठीक है, यानी कि दर का अंतर आ गया 2.5 का मान दे रखा है 250, तो एक का मान कितना हो जाएगा 100, एक का मान कितना होगा 100 होगा। हमें पता है कि जब एक का मान 100 हो रहा है तो 100 का मान कितना होगा, क्योंकि मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। जब एक का मान 100 है तो 100 का मान कितना होगा 10,000। तो इस सवाल का जवाब कितना होगा 10,000 होगा। अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 150 रुपए की वृद्धि हो जाती है, 150 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो, देखो अगला सवाल हमारा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक आय 8% से बढ़कर, देखो अब क्या हो रहा है कि दर बढ़ रही है। भाई पहले हमारी दर कितनी दे रही थी हमें, 8%। देखो 8% से बढ़कर कितनी होगी, 10%। 8% से बढ़कर 10% दर होगी। अब देखो 10% जब दर होगी तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में कितने की वृद्धि होगी, 150 रुपए की। देखो 150 रुपए की जो वृद्धि हुई है वो किसमें होगी, ब्याज में वृद्धि होगी। अब 150 रुपए की वृद्धि हो रही है, देखो दर का अंतर 2 का, यानी कि 2% बराबर हमें मान दे रहा है 150, तो 1% का मान कितना होगा 75, तो 100% का मान कितना होगा 75।
तो ये हमारे सवाल का क्या होगा जवाब, यानी कि आंसर हमारा कितना होगा 7500 रुपए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। देखो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।